मामला बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल जीवन रक्षा का है, जहां बीती रात प्रसव के लिए आई महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतका के शव को अस्पताल के बाहर रख हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होता देख अस्पताल का स्टाफ व चिकित्सक अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। बुलंदशहर जिले में न जाने कितने ऐसे सैकड़ों हॉस्पिटल हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन तो है लेकिन MBBS डॉक्टर मौजूद नहीं। जीवन रक्षा हॉस्पिटल पर पूर्व में भी कई बार सीलिंग की कार्यवाही की जा चुकी है लेकिन विभागीय संबंधों के चलते कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई। आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चंद पैसे के लालच में मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रही हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसव करवा रही हैं। ये है कि ये जीवन रक्षा हॉस्पिटल में डॉक्टर लापरवाही करते हैं और अब से पहले भी शिकायत हुई है, कई बार पहले भी यहाँ घटना हुई है और CMO साहब को पहले भी मैंने अवगत कराया था कि इसको यहाँ ना चलने दिए जाए। ये डॉक्टर झोला छाप है, फर्जी है, इसे कुछ नहीं आता है, परंतु CMO साहब ने नहीं मानी और इनको लाइसेंस दे दिया और लाइसेंस देने के नाम पे फिर आज ये घटना घटित हुई है। क्या घटना हुई है? एक महिला का डिलीवरी थी और समय ना होने के पर भी उसकी डिलीवरी करी और डिलीवरी का समय ना होने के बावजूद वो प्रसव हुआ। प्रसव होने के बाद में महिला की मौत हो गई। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।